रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। अभी अभी कहा है 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। 400 के पार का नारा, ये तो अपने पार खत्म हो गए ना। ये SC ST OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना, यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना, मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दे, और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता, धर्म आरक्षण का सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं, आम सीनियर तो नरेंद्र मोदी। तीसरा चरण का चुनाव हो रहा है, तीसरा चरण का चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है और गठबंधन के पक्ष में हो रहा है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि पांचों सीट पर हम आगे रहेंगे। 400 के पार का नारा भूल गए हैं मोदी जी अब। 400 के पार का नारा, ये तो अपने पार खत्म हो गए ना, ये चार सर बोल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ऐसे उनके सागरित, और इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं, उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी SC ST OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं।
आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। बाकी तो उनका सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। बारी बारी से सब छोड़ करके भाग गए। बताइए साथियों, मोदी तो इतने दिनों से सिर्फ यही कह रहा था कि ये आपके हक में से कुछ हिस्सा काटकर धर्म के आधार पर बांट देंगे।